भगवान शंकर की कृपा बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। वो कितना दयालु दातार, अगर कृपा करा है तो शिव कथा में बैठने का योग बना है। कल कथा में कहा था आपको कि पड़ोस को प्रणाम कर लेना एक अलग बात है, पड़ोसन को नमन कर लेना एक अलग बात है, पड़ोस की काकी को प्रणाम कर लेना एक अलग बात है, पर घर की जो सास है उसको नमन करो ना करो पर उसका समर्पण आपके प्रति सदा रहा है। कोई बहू कितना भी ताना दे दे, कोई बहू सास को कितनी भी गाली दे दे, कोई बेटा बाप को कितना भी आड़ा टेढ़ा बोल दे, पर ईमानदारी से बताना, क्या वो जिस माँ को आड़ा टेढ़ा कहा गया है, जिस बाप को आड़ा टेढ़ा कहा गया है, जिस माँ को अपशब्द कहे गए हैं, जिस पिता को अपशब्द कहे गए हैं, क्या वो माता पिता अपनी जायदाद किसी दूसरे को दे देगा? अरे बोलो तो, देगा क्या? नहीं देगा। किसको देगा? जिस बेटे ने गलत शब्द बोले, जिस बहू ने कभी एक कप का चाय नहीं दी, जिसने कभी एक गिलास पानी भर कर नहीं दिया, तो भी उसका समर्पण उन्हीं के प्रति होगा, किसी दूसरे के प्रति नहीं। तुम पड़ोसन के कितने भी पांव छू लो, कितने भी नमन कर लो, क्या पड़ोसन तुम्हें जायदाद का हिस्सा दे देगी? नहीं नहीं अगर हो सके गोरखपुर में ऐसा हो कि पड़ोसन देती हो तो बात दूसरी है। ऐसा योग बना हो कि पड़ोसन दे देती हो गोरखपुर की भूमि पर, कि हाँ यहाँ पास में पाँव पड़ो तो पड़ोसन देवे, घर की सास ना देवे तो कोई इतना। पर मेरा दयालु शिव कैसा है, मेरा शंकर है कैसा? दुनिया के लोगों ने शंकर के तिलक तक को मिटा दिया, शिव जी के त्रिपुण सत्यम बोलिए शिवम और तीसरे नंबर पर सुंदरम। अगर एक एक देवता को उठाकर देखिए तो सबके मस्तक पर यही तिलक मिलने वाला है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर देखोगे तो भी सत्यम शिवम और सुंदर। नारायण के मस्तक पर देखोगे तो खड़ा तिलक है सत्यम, बीच में लाल शिवम और फिर सुंदर। और मेरे श्री जी बाबा, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्रीनाथ जी के अगर पटल पर देखोगे, मस्तक पर देखोगे, मस्तक पर अगर निगाह करेंगे तो आपको ऐसा यू मार्ग जैसा तो तिलक मिलेगा ही, साथ में अगर श्रीनाथ जी का चित्र किसी के घर में हो तो सोने की तीन रेखा उनके भी मस्तक पर नजर आती है, वो है सत्यम शिवम और सुंदर, वो तीन रेखा। पर दुनिया के लोगों ने आज सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया और सुंदर बनने के लिए एक घिसा और लगा लिया। लोग तिलक भी वो लगाते हैं जिसमें वो सुंदर नजर आए, ना उसे सत्य से मतलब है ना उसे शिव से मतलब है, उसे तो केवल एक चीज से मतलब है और वो क्या है, जम के बोलो सुंदरता। हमारी सुंदरता किस चीज से बन सकती है, हम सुंदर किस चीज से नजर आ सकते हैं, हम सुंदर कैसे दिखाई दे सकते हैं, हमारी सुंदरता का बखान हम कैसे वर्णित कर सकते हैं, हमारा सुंदरता का प्रसंग हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? ये हमारी सुंदरता के लिए मूलतः बस केवल एक तिलक लगाया गया है, बाकी का न सत्य रहा न शिव रहा, सुंदर ही दिख। शिवजी के मंदिर में क्या सुंदरता देखी, शिवजी के मंदिर में एक ही सुंदरता का भाव है। शंकर कहते हैं सत्यमय जीवन को जीने का प्रयास करिए, अपने जीवन में थोड़ा सत्यता को एहसास करिए कि हम दिन भर में कितना झूठ बोल रहे हैं उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक कौए को एक हंसनी पसंद आ गई। किसको पसंद आई? कौए।
और कौवे को हंसनी पसंद आ गई और कौवा उस हंसनी को अपने घर पर ले आया। अब हंसनी तो घर पर आ गई पर हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया। हंस को बड़ा दुख हुआ और हंस ने जाकर तुरंत बहुत कार्रवाई करने का मन में विचार करा, तो विचार कर कर तुरंत जज के पास गया। जज साहब आप कुछ कर दीजिए, मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, मेरी हंसनी को छुड़ा दीजिए। जज साहब मैं आपके चरण छूता हूं, जज महोदय आप मेरी हंसनी को छुड़ा दो। जज ने कहा मेरे चरण छूने की तो जरूरत ही नहीं है तेरे को, एक काम कर अदालत में केस लगा, एक वकील कर ले और कौवे अगर तेरा हंसनी को कौवा अगर लेकर गया है तो तू चिंता मत कर, हंसनी तो जगत प्रसिद्ध है कि वो हंस की होती है, वो कभी कौवे की नहीं हो सकती, क्यों चिंता करता है? शिव महापुराण का यह दृष्टांत सत्यता को जीना सिखाता है। हंस ने अदालत में केस लगाया, वकील कर लिया, कौवे को मालूम पड़ा कि उस हंस ने वकील करा है, तो कौवा भी अपने वकील के पास गया और वकील से कहा सुन रे वकील, चाहे कुछ भी हो जाए पर जीत मेरी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए विजय मेरी होना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय बता कि हंसनी मेरी हो जाए। तो इतने में वकील बोला रे कौवे ये कभी नहीं हो सकता कि हंसनी तेरी होगी, क्योंकि हंसनी तो हमेशा हंस की रही, हो ही नहीं सकता। इतने में कौवे को क्रोध आया और कौवे ने कहा क्या रे वकील, तू मेरा वकील होकर मुझसे बहस कर रहा है, अरे मुझे पता ना कि हंसनी मेरी हो, उसका उपाय क्या है? तो के एक उपाय है, तू रात को जज के घर चले जा और थोड़ी सी रिश्वत दिया, अगर तूने रिश्वत दे दी और जज ने तेरे पक्ष में निर्णय दे दिया तो फिर तो हंसनी तेरी हो गई। बस रात को कौवा जज के घर गया और जज के पास जाकर बोला अरे जज साहब व्यक्ति की सात पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, आपकी सात पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को जिमाया जाता है। व्यक्ति की सात पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जान सकता है या फिर ब्राह्मण जान सकता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में दोनों को जिमाया जाता है। और सुन जज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, कौवा बोला मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ कि तेरी सात पीढ़ी, तेरे दादा परदादा, तेरे पूर्वज सारे के सारे बैकुंठ में बैठे हैं, अगर तू मेरा एक काम कर दे तो तेरे को शाह शरीर जीते जी इसी मनुष्य देह में तेरे सात पीढ़ी से तुझे मिलाकर ले आऊंगा।